हेलो फ्रेंड्स, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे जीव विज्ञान प्रश्नोत्तरी सीरीज के दूसरे पार्ट में। इसमें आपके लिए हम आप लेकर आए हैं जीव विज्ञान से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पुनरावृत्ति की जाती है। चलिए आइए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? औदु ग्रंथि। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के द्वारा। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्स मीडिया होता है? औदु ग्रंथि। मानव शरीर के भीतर खून की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है हिपेरिन। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट के द्वारा। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन क्या होता है? थायरॉक्सिन होता है। मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास लगभग होता है 0.07 मिलीमीटर। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? वृक्क। सामान्यतः निषेचन होता है गर्भाशय में। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। किस भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एंड्रिनल से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन की। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH। मानव शरीर का सामान्यतः तापमान होता है 9 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रेनलिन। इंसुलिन क्या है? यह एक प्रकार का हार्मोन है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? दलत वलक। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका से। इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियास द्वारा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु श्वसन की क्रिया। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितने परसेंट होती है? 4%। हृदय वांछित है ऐच्छिक पेशी से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलुए पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? फेफड़ा। कंडरा जोड़ता है पेशी को हड्डी से। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से होता है? अधिवृक्क ग्रंथि। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि होती है उरु अस्थि। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं की संख्या में बढ़ जाएंगी। मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होता है? 140 से 180 मिलीग्राम। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिनी कांव की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? बढ़ जाएगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं दीर्घ अस्थि में? मानव हृदय में कक्ष की संख्या कितनी होती है? 4। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूटरस। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? एंड्रिनल ग्रंथि। जब एक वयस्क व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है? घट जाता है। किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन शोषण के लिए यह रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? परासरण की क्रिया द्वारा। कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? यकृत। सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा सबसे बड़ा भाग है? परामस्तिष्क। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे अधिक पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क की कोशिकाओं में।
यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए तो और माता का रक्त वर्ग बी सॉरी ओ हो तो बताइए कि उसके पुत्र का रक्त वर्ग क्या हो सकता है ओ। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ हो तो उसके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा ए या बी। कौन सा रक्त वर्ग सर्वग्राही होता है ए बी सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन से रुधिर वर्ग का होता है ए बी। कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता होता है यूनिवर्सल डोनर ओ। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है 206। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है 8। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं 12। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीस। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है खोखली होती है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है टांग में। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है जांघ की। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम कमी हो जाती है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण होता है इसमें ग्लूकोज का अभाव जाना होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है प्रोटीन से। प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। एंजाइम मूल रूप से क्या है प्रोटीन है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42%। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रक्टोज। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है ग्लूकोज। शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान कौन करता है कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन के द्वारा। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं दालों से। प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत क्या होता है सोयाबीन। मानव शरीर में वसा जमा होती है वसा ऊतकों में। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रह सकता है ऐसा वो कैसे कर पाता है। ऐसा वो अपने कूबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके कर पाता है। दांतों में क्या होता है कैल्शियम। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ होता है फ्लोरीन के। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है पोटेशियम। सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है शैवाल का। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है शैवाल। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण के लिए संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन से हैं सोयाबीन और मूंगफली। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित क्या क्या होता है कैल्शियम सीए और के पोटेशियम। सीमेंट और अस्थि दोनों में विद्यमान तत्व है कैल्शियम। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है लोहा। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से होता है विटामिन के पोटेशियम। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है 50%। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है आयरन की। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है हरी पत्तेदार सब्जियों में। मूत्र के श्रवण को बढ़ाने के वाली औषधि को क्या कहते हैं डाइयूरेटिक। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है आंत प्रभावित होती है। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोआजा है एंट अमीबा। आँखों को दूर दृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण। हैजा का क्या कारण है जीवाणु। किसके जांचने के लिए एलिसा टेसा किया जाता है एड्स। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू किस विषाणु को कहते हैं निरूपित करता है H5N1। किसकी कमी से दंत क्षय होता है फ्लोरीन के कारण।
बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सीटी स्कैन। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है वसा की। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके इसी लाइक एंड सब्सक्राइब के कारण हमें नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है।